हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बताने वाली हूँ, जिस डिजाइनिंग को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल का स्वेटर हो, बॉय स्वेटर हो या जेंट्स स्वेटर हो, आप इसे लेडीज कार्डिगन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये सुंदर सा डिजाइन बनाना। दोस्तों, यदि आप सब में कोई नए है चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं प्रतिदिन और रेगुलर नए नए और लेटेस्ट स्वेटर डिजाइन डालू, वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप बना सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक सिलाई पर फंदे डाल दी हूँ और मैं इस पर ये डिजाइनिंग डालना स्टार्टिंग करती हूँ। यहाँ क्या करना है, पहली सिलाई सीधी साइड से, आप साइड वाले फंदे को चाहो तो स्लिप भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे उल्टा सीधा कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं इसे सीधा बना ली हूँ, बाकी टोटल फंदे को ऐसे करके सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। आप जिस भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइनिंग को डालना चाहते हैं, उसमें तीन 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 के मल्टीपल में फंदे डालें। तो ये मैं पूरी रो सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं उल्टी साइड से आ चुकी हूँ, तो उल्टी साइड से भी मैं टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। ये साइड वाला स्टिच है, तो इस साइड वाले स्टिच को मैं उल्टा बना ली हूँ। ये उल्टी साइड से है, तो बाकी फंदे को भी मैं उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं तीसरी सिलाई में आ चुकी हूँ, तो तीसरी सिलाई में भी टोटल फंदे को सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, ये साइड वाले फंदे को भी और बाकी टोटल फंदे को एक एक करके सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ देखिए, उल्टी साइड से मैं चौथी सिलाई में आ चुकी हूँ, तो इसमें थोड़ा ध्यान दे करके देखिए क्या करना है। ये साइड वाला फंदा है, तो ये साइड वाले फंदे को उल्टा बना लेना है। उसके बाद इस फंदे में एक फंदे को मैं साइड वाले फंदे को बना ली हूँ, उसके बाद इस फंदे में दो बार ऐसे करके धागा लपेट करके उल्टा बना लेना है और दो फंदे को उल्टा बनाना है, एक और ये दो हो चुका। फिर इस फंदे को दो बार धागा लपेट करके उल्टा बनाना है और फिर दो फंदे को सिंगल सिंगल करके उल्टा बना लेना है। तो ये चौथी सिलाई है दोस्तों, तो ये चौथी सिलाई बस ऐसे ही पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेना है। एक फंदे में दो बार धागा लपेटना है, फिर दो फंदे को एक एक बार करके सिंगल सिंगल करके बना लेना है। तो बस ऐसे ही पूरी रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। एक फंदे में ऐसे करके दो बार लपेटना है, फिर एक फंदे को ऐसे ही उल्टा बनाना है, फिर एक फंदे को ऐसे ही उल्टा बनाना है। तो पूरी रो में ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं पांचवी सिलाई में आ चुकी हूँ, तो पांचवी सिलाई में क्या करना है, ये साइड वाले फंदे हैं, तो इसे मैं सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए, ये दो फंदे को ऐसे करके स्लिप कर लेना है, ये और ये देखिए डबल धागा लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे ऐसे करके खोल लेना है। फिर पीछे से ऐसे करके एक फंदे, ये शुरू वाले फंदे को जो मैं खोली थी, इस फंदे को छोड़ करके इन दोनों फंदों में ऐसे करके सिलाई को डालना है और ऐसे करके इस फंदे को बाहर निकाल लेना है। फिर इसके बाद इस फंदे को ऊपर से ऐसे करके इस पर ऐसे करके डाल देना है, ऐसे करके डाल देना है। फिर ये तीनों फंदे को सीधा बना लेना है, एक दो और ये तीन हो चुका। फिर दो फंदे को ऐसे करके स्लिप करना है और इस फंदे को ऐसे करके खोल लेना है और पीछे से एक फंदे, शुरू वाले फंदे जो मैं खोली थी, इस फंदे को छोड़ करके इस दोनों फंदे में ऐसे करके सिलाई को डालना है और इस फंदे को ऊपर से ऐसे करके डाल के ये तीनों फंदे को सीधा बना लेना है। बस ऐसे ही पूरी रो रिपीट करते जाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। मैं एक बार और दिखाती हूँ, एक और ये दो। फिर इस फंदे को ऐसे करके खोल लेना है और फिर पीछे से ऐसे करके इन दोनों फंदों में ऐसे करके सिलाई डाल के ऐसे करके इस दोनों फंदे में सिलाई डालना है। ऊपर से इस फंदे को, डबल धागा लपेटा हुआ फंदे को ऊपर से डाल के ये तीनों फंदे को सीधा
बना लेना है। बस ऐसे ही पूरी रो रिपीट करते जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से बन के आएगा। तो ये मैं पूरी रो ऐसे ही रिपीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और आगे दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए फ्रेंड्स, पांच सिलाई तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब छठी सिलाई में थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए करना क्या है, तो ये साइड वाले फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ। इसमें अब देखिए, ये मैं शुरू वाले फंदे को चौथी सिलाई में डबल धागा लपेट करके बनाई थी। इसमें अब डबल धागा नहीं लपेटना है, पहले दो फंदे को ऐसे करके उल्टा बना लेना है। तो ये दो फंदे उल्टा हो चुका, उसके बाद तीसरे फंदे में दो बार ऐसे करके धागा को लपेट करके बना लेना है। फिर ये साइड वाला स्टिच को छोड़ के ये तीन फंदे जो मैं बनाई हूँ, इसी तीन फंदे को पूरी रो रिपीट करना है। तो एक बार मैं और दिखाती हूँ, दो फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर तीसरे फंदे में डबल धागा लपेट करके इसे भी बना लेना है। जैसे मैं चौथी सिलाई में की थी, उससे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। दो फंदे उल्टा शुरू में, उसके बाद एक फंदे में डबल धागा लपेट करके बना लेना है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो रिपीट कर लेती हूँ, फिर सीधी साइड से आप सभी को दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ छः सिलाई तो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ सातवीं सिलाई दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइड वाला फंदा है, तो इसे मैं सीधा बना लेती हूँ। आप चाहो तो इसे स्लिप भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए क्या करना है, ऐसे करके पीछे से एक फंदे को छोड़कर इस दो फंदे में ऐसे करके सिलाई को डालना है। तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। ये हो चुका, और इसके बाद इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर ऐसे करके ले लेना है, और पहले इस फंदे को इस सिलाई पर ऐसे करके डाल देना है, उसके बाद इन दोनों फंदों को ऐसे करके डाल देना है, फिर इसके बाद तीनों फंदे को सीधा बना लेना है। दोस्तों ये सातवीं सिलाई है, तो सातवीं सिलाई बस ऐसे ही बनाना है। ये हो चुका। अब देखिए, नहीं तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। इस फंदे को खोल देना है, और इन दोनों फंदे को इस सिलाई पर ले करके आगे से इस फंदे को इस सिलाई पर ऐसे करके लेना है, उसके बाद पीछे से इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर ले करके फिर पुनः इस सिलाई पर ऐसे करके डाल देना है, और इन तीनों फंदों को सीधा बना लेना है। ये हो चुका। ये देखिए, ये इस तरीके से बन के आएगा। ये देखिए मैं फिर दिखा रही हूँ। एक ये डबल धागा लपेटा हुआ है फंदा है, इसे खोल लेना है, उसके बाद इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर ले करके इस फंदे को इस सिलाई पर लेना है। ये डबल धागा लपेटा हुआ फंदा है, और पीछे से इन दोनों फंदों को ऐसे करके पीछे से होते हुए ऐसे करके सिलाई पर डाल देना है। जिस फंदे में डबल धागा लपेटा हुआ फंदा है वो आगे से होते हुए जाएगा, और जो सीधा बना हुआ फंदा है उसे पीछे से होते हुए लेना है। बस ऐसे ही पूरी रो रिपीट कर लेना है। सातवीं सिलाई मैं पूरी रो रिपीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सात सिलाई तो यहाँ बन के कम्प्लीट हो चुकी है, और इस डिजाइनिंग की लास्ट सिलाई आठवीं सिलाई में आ चुकी हूँ। तो आठवीं सिलाई में पूरे फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैं टोटल फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। और ये आठ सिलाइयों का डिजाइन है, और ये देखिए एकदम तिरछा तिरछा बहुत ही प्यारा से डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ है। इसी आठ सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करते जाना है, जैसे मैं शुरू से लेकर के आठ सिलाई तक बताई हूँ। इसी आठ सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिए, यहाँ मैं दो डिजाइन बना के कंप्लीट की हूँ। ये कितना प्यारा सा ये डिजाइन दिखने में लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों यदि आप सभी को ये डिजाइन पसंद आया हो, और मेरे ये बताने का तरीका यदि आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके
और सबसे पहले आप देख सके और सबसे पहले आप बना सके। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए डिजाइन में, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।